इनविजिबल मैन चैप्टर 13 हिंदी समरी। मिस्टर मार्वल उसकी किताब लेकर बहुत आगे भाग गया था, पर अदृश्य आदमी ने उसे पकड़ ही लिया और उस पर बहुत भड़का। और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि इतनी बर्बादी के बाद तो यह बात पूरे अखबार में छप जाएगी, तब उसका क्या होगा। और वह मिस्टर मार्वल को डांटने लगा कि आगे से ऐसा हुआ तो वह बचेगा नहीं। इतनी डांट फटकार तोड़ फोड़ के बाद मिस्टर मार्वल दुखी और हताश हो गए थे, पर वह जानते थे कि वह बुरी तरह फंस चुके हैं। पर वह अदृश्य आदमी से कहते हैं कि वे कोई काम के लायक नहीं हैं, वह सारे प्लान को चौपट कर देते हैं। पर अदृश्य आदमी उन्हें डरा धमका कर अपने काबू में कर ही लेते हैं। फिर भी मिस्टर मार्वल कहते हैं कि वह डरपोक हैं, वह उसका सारा काम और कठिन बना देंगे। पर अदृश्य आदमी उन्हें नहीं छोड़ता। पर मिस्टर मार्वल बहुत ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें इस बात का भी डर था कि यह मुझसे भविष्य में क्या क्या करवाएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड